शेख, मेरा सवाल आकर निकाह के रिलेटेड ही है। जो कंडीशन रखने का जो इख्तियार है मुसलमानों में, उसके रिलेटेड है। मेरा एक छोटा सिचुएशन, एक 45 सेकंड्स का एक्सप्लेन करके मैं आपको सवाल पूछ लूँगा आपसे। शेख, आजकल जब रिश्ता देखने जाते हैं तो ऐसा माहौल है शेख कि लड़कों का तरफ से और लड़कियों की तरफ से दोनों दोनों लोगों का क्या है कि सच बात कभी बोलते नहीं, सच छुपाते हैं या फिर झूठ तो झूठ छुपाते हैं कुछ सवालों में। हाल ऐसा हो गया कि कभी कोई दीनी लड़का या लड़की को जहन में रख के रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो लाइक प्रपोजल्स के वक्त ऐसा बैठते हैं कि सब दीनी है, सब फॉलो करने वाले हैं, ऐसे अपने आप को बताते हैं, चाहे वो लड़की वाले हो लड़के वाले हो। लेकिन उनका पास तो पास्ट अगर देखने जाए तो हम मुसलमान होकर सोच भी नहीं सकते, उतना कुछ लोगों का ऐसा घटिया होता है। अब उसमें मैं लड़का हूँ तो अगर मैं कहीं लड़की देखने जाऊँ तो मेरे पास ऐसा इख्तियार है क्या कि मैं एक ऐसी बात रख सकूँ जिससे कि मुझे पता चल जाए कि ये दीनी लोग हैं, और वो कंडीशन ऐसा है कि अगर मुझे कभी शादी के बाद ऐसा पता चल जाए कि आपकी बेटी का ऐसा ऐसा रिश्ते थे, तो मैं उस वो शादी के बाद कितने भी साल हुए हो और दो चार बच्चे भी हो, तब भी मैं तलाक देने का सोचूंगा, तो आप सच बोलिए, या फिर अगर आप दीनी हैं तो मैं निकाह करूंगा। ऐसा कंडीशन रखना एक मर्द के लिए जायज है या फिर ये गैर क्या बोलते हैं उसको, गैर शरीय है डिसिप्लिन जी के खिलाफ, गैर शरीय जी डिसिप्लिन जी के खिलाफ है। बिल्कुल वाजह है। देखिए, शादी के वक्त एक लड़के को भी हक है कि लड़की के बारे में वो तमाम चीजें मालूमात हासिल करें जिसका खास तौर से उसकी इज्दवाजी जिंदगी पर असर पड़ सकता है। इसी तरह से एक लड़की को भी हक है कि लड़के के बारे में उन तमाम चीजों की मालूमात वो ले। अब बेशक ये मालूमात अगर आप लड़की वालों से मांग रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि बगैर कोई चीज छुपाए हुए, जब आप पूछ रहे हैं, अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो अलग मसला है, जी लेकिन अगर कोई चीज आप पूछ रहे हैं सामने आकर के तो उनके लिए जरूरी है कि वो चीज आपको बताए, क्लियर करें। आपने जैसे मिसाल के तौर पर पूछा कि क्या आपकी बच्ची 5 वक्त नमाज पढ़ती है कि नहीं, अब उनके लिए जरूरी है कि आपको बताएं कि हाँ मेरी बच्ची 5 वक्त नमाज पढ़ती है कि नहीं। आपने पूछा कि आपकी लड़की की तालीम क्या है, उन्होंने कहा कि मेरी लड़की जो है ग्रेजुएशन किए हुए है, जबकि पता चला कि उनकी लड़की 5वीं 6वीं क्लास तक पढ़ी हुई है बाद में। तो जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं अगर वो माकूल सवाल है तो उसका सही जवाब देना उनके लिए जरूरी और वाजिब है। अगर वो उसका गलत जवाब देते हैं तो एक तरह से वो झूठ बोल रहे हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। और अगर आप ये बाद में शर्त रखें, ये कंडीशन रखें कि अगर ये बातें जो आपने आपसे मैंने पूछी हैं और आपने बताई हैं, अगर ये बातें गलत निकली तो मुझे इख्तियार होगा कि मैं आपकी लड़की से अलग हो जाऊं। अगर ऐसी कंडीशन आप रख रहे हैं तो आपको हक है। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है किसी मसले में तो जब वो पता चले आपको फिर आपको हक है। अच्छा शेख, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पर उन्होंने जिक्र किया है अपने सवाल में कि किसी का कहीं कोई ताल्लुक रहा हो, एक गुनाह मत समझ लिए, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब कोई लड़की, अब ये इन्होंने आकर के पूछा है कि आप लोग दीनदार हैं या गैर दीनदार हैं, उन्होंने कहा कि बजाहिर तो अभी तो तौबा कर चुकी है लड़की या दीनदार हो चुकी है, तो अब क्या वो अपने उस रिलेशन को भी यहाँ पर जिक्र करे? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बात छूट गई और कल को कि इनको ये बात आप, पता चलेगी हाँ तो कल देखिए को बहुत कहेंगे कि सही हमने तो आ कहा। रखा था। जैसे आपने लड़की के बारे में पूछा कि क्या आपकी लड़की दीनदार है, उन्होंने कहा हाँ हमारी लड़की दीनदार है, और जाहिर है जिस वक्त आप पूछ रहे हैं क्या उस वक्त दीनदार है कि नहीं, अगर वो उस वक्त दीनदार है तो उसे दीनदार ही माना जाएगा। हो सकता है पास्ट में माजी में उसने कुछ गलतियां की हो और उनसे तौबा कर लिया हो। तौबा करने के बाद किसी इंसान को बेदीन नहीं कहा जाएगा। आपने पूछा, मुतलक सवाल किया, आपने एक जनरल सवाल किया, क्या आपकी लड़की दीनदार है, उन्होंने कहा हाँ दीनदार है। अब कल को अगर आप आके ये कह रहे हैं कि मैंने पता किया है कि पास्ट में इस लड़की के ऐसे ऐसे रिलेशन थे, पहली बात तो आप उसको साबित कैसे करेंगे?
अगर आप किसी के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए, अगर आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं तो आप मुजरिम हैं। तो लिहाजा इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं, आप वो चीजें पूछिए जिन चीजों का ताल्लुक खास तौर से आपकी इज्दवाजी जिंदगी से है, जिनका असर आपकी इज्दवाजी जिंदगी पर पड़ने वाला है। बाकी माजी को कुरेदना ये अच्छी बात नहीं है, मौजूदा वक्त में वो लड़की कैसी है आप उसको देखिए। हाँ, अगर किसी मसले को लेकर के आपको लोग अंधेरे में रख रहे हैं और आपको बाद में पता चले कि आपको धोखा दिया गया है और आपसे झूठ बोला गया है तो आपको इख्तियार है। लेकिन अगर आप जनरल सवाल कर रहे हैं क्या बच्ची दीनदार है, उन्होंने कहा हाँ दीनदार है, जाहिर है जिस वक्त वो ये बात कर रहे हैं उस वक्त का एतबार होगा। माजी में हो सकता है नमाज ना पढ़ती रही हो सकता है बेपर्दगी उसके अंदर रही हो, लेकिन अभी उसने तौबा कर लिया, इस्लाह कर ली, तो अभी वो दीनदार कहलाएगी। अब बाद में आप उसको नहीं कह सकते कि माजी में तो तुमने ऐसा ऐसा किया था, क्योंकि आपने पार्टिकुलर किसी खास मसले के बारे में सवाल नहीं किया, आपने जनरल बात की है और वो लड़के भी दीनदार है। लिहाजा देखिए, जो इस तरह के मसाइल में जो उलझते हैं ऐसे लोग बहुत मुश्किल है कि उन्हें रिश्ता मिले। आप छोटी छोटी बातों को अगर माजी के पूरे देंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी तो जो हो सकता है आपको पसंद ना हो। तो इसलिए मुनासिब ये है कि लड़की की मौजूदा कंडीशन है आप उसको देखिए। जी सर, आपने जो भी फरमाया सब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मंजूर है। कि मैंने ये पूछा था शेख, एक और था कि अब देखिए, एक एक मर्द का एक कैरेक्टर है, एक अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो जब पहली बार शादी करे तो वो चाहता है कि उसे भी एक अपनी ही तरह एक लड़की जो किसी गैर महरम को ना किसी से रिश्ता ना किया हो या फिर गैरतमंद हो, यही चाहता है वो भी। तो उसको पाने के लिए वो एक पैतरा एक ट्रिक यूज करता है कि मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो शायद वो लोग डरेंगे। अब ये लड़का ऐसा ऐसा पूछ रहा है क्या करके कि अब मुझको पूछा गया है, अगर मैं मेरा पास्ट में अगर मेरे रिलेशनशिप्स थे अगर ये सामने खुल गया तो बोल रहा है कि वो तलाक ले लेगा, अगर मैं ये बोलूंगा तो वो डरेंगे, अगर वो उनकी बच्ची का अगर रिलेशनशिप्स होंगे अगर रहेंगे पीछे तो वो मुझसे मेरा रिश्ता एक सेकेंड अगर उनका पिछले रिश्ते थे तो वो अपना लड़की देने से मुझे इनकार करेंगे क्योंकि उनको अंदर अंदर पता होगा। समझ गया आपकी बात, सुनिए ये जो सवाल आपने किया अब ये पहले से भी ज्यादा वाज़ह है, आपने मिसाल देकर के बात की। जी, मैं समझता हूँ कि ये सवाल करना अखलाकी तौर से मुनासिब नहीं है। वो क्यों मुनासिब नहीं है, आप किसी के घर गए, पहली बात तो अगर आपको शक है उस लड़की के कैरेक्टर के बारे में, आपके पास कोई ऐसी खबर पहुंची है जिसकी वजह से आप उसके बारे में शक कर रहे हैं तो आप मत जाइए। और अगर आपको आपके पास कोई शक नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, आप जा करके डायरेक्ट किसी की बच्ची के बारे में पूछो कि क्या पास्ट में आपकी बच्ची कैरेक्टर लेस थी या उसका कैरेक्टर अच्छा था, आप बताइए क्या अखलाकी तौर से ये चीज मुनासिब है। अखलाकी तौर पे नहीं शेख, बिल्कुल नहीं, ये इख्तियार मैं उनको भी दूंगा शेख, ये इख्तियार जो है। सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस मुआशरे में जो बच्चियां हैं 100% बच्चियों से ये पूछा जाए कि क्या तुम्हारा कैरेक्टर माजी में अच्छा था या तुम कैरेक्टरलेस थी, इसका साफ मतलब ये हुआ। अगर हम आपको इजाजत देते हैं तो क्या हाशिम भाई को भी इजाजत नहीं होगी, फला को इजाजत, सबको इजाजत होगी। इसका मतलब किसी भी आदमी, देखिए हमारी शरीयत में असल क्या है, हमारी शरीयत में एक कायदा है कि अल असल बराअत जिम्मा, हर इंसान के अंदर असल ये है कि वो इन तमाम चीजों से बरी है, ये असल है। अब अगर आपके पास कोई सबूत है तो इस असल से वो हटा हुआ माना जाएगा। जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है तब तक आपको हुस्ने जन ही रखना है, बदगुमानी। असल में सुनिए, असल में यहाँ पर ये हो रहा है। जी, मैं एक लाइन और, तो अगर आपके पास पहले से ऐसी कोई खबर पहुंची हुई है जिसकी बुनियाद पर आपको लगता है कि उसका कैरेक्टर सही नहीं हो सकता है, आप मत जाइए उसके पास।
लेकिन हम अगर आपको ये अगर हम आपको ये कहते हैं कि आप किसी के भी घर रिश्ता लेके गए, सबसे पहले उसकी बच्ची का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगिए डायरेक्ट उसके बाप से, ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब है, गैर माकूल है और शरीयत के उसूलों के भी खिलाफ है। क्योंकि असल ये है कि हर मुस्लिम के बारे में हुस्ने ज़न रखा जाए और यह हुस्ने ज़न के खिलाफ है। मैं ऐसा नहीं कि आपकी बच्ची माजरत के साथ आपकी बच्ची वर्जिन है, मैं ऐसा नहीं पूछूंगा, नौजबिल्ला ऐसी बातें नहीं पूछूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर बोल रहा हूँ आपके सवाल में क्या है ना, बेसिकली मैं वजाहत कर रहा हूँ आपके सवाल की, बेसिकली आपके सवाल में यह है कि दुनिया की हर लड़कियां जो भी मुस्लिम लड़कियां हैं मैं उनको गलत समझता हूँ, जिसकी सर्टिफिकेट मिल जाए सही है, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। आपका आखिरी मसला ये सवाल निकल के आ रहा है? नहीं, हरगिज नहीं सके, ऐसा नहीं है शेख। बजाहिर तो आप ये आप जिस लड़की के बारे में आप जाकर के बात कर रहे हैं तो उससे आप यही तो पूछ रहे हैं कि क्या आप पास्ट में किसी से आपका कोई रिलेशन था? नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए, अब मैं रिश्ते पे बैठा हूँ, अब मैं क्या बोलूंगा उनको अगर मुझे पता चल जाए, ताकि वो लोग मुझे अगर उनकी बच्ची अगर पहले ऐसे रिलेशनशिप में थी, उनको पता होगा ना अंदर, तो जब मेरा ये बात सुनेंगे तो वो मुझसे रिश्ता करने से पीछे हटेंगे। मुझे वो पता करना है कि वो अगर दूसरी बात यहाँ पर शेख मैं एक बात और जिक्र कर दूं, दूसरी बात यहाँ पर इस बारे में आप जो बात जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर मतलब ये बोलना चाहेगा कि एक लड़की अगर किसी ने कहीं पास्ट में कोई उनका रिलेशन रहा हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जिना की हुई, बल्कि सिर्फ रिलेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या वो अपने इस गुनाह को वाजे करे लोगों के सामने, क्या उसको ये गुनाह को अपने कोई रिश्ता लेकर के आएगा तो क्यों उसको वाजे करेगी कि हाँ मैंने गुनाह कर ली हूँ पहले? असल हमारी शरीयत में यही है कि हर मुसलमान के साथ असलन आपको हुस्ने ज़न रखना है। हुस्ने ज़न मतलब उसके बारे में अच्छा गुमान, अच्छी सोच रखनी है। क्योंकि असलन जैसे आप यूनुस साहब, मैंने आपसे आपके बारे में जब तक ये साबित ना हो जाए कि आप चोर हैं तब तक मैं आपको यही मानूंगा कि एक आप अच्छे इंसान हैं। असल ओरिजिनल ओरिजिनलिटी आपकी ये है कि आप अच्छे इंसान हैं। जब कोई बुराई साबित हो जाएगी तब मैं आपके बारे में वो उस बुराई के सिलसिले में बात करूंगा। और जब आप किसी लड़की के पास रिश्ता ले जा रहे हैं तो आप पहले पता कर लीजिए। आपको अगर ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है इसका मतलब वो अपनी ओरिजिनल हालत पे बाकी है, असल पर बाकी है। तो ये कहना किसी के बारे में भी, इसका देखिए, क्या आप ये पसंद करोगे कि आपके घर में आपकी माँ बहन बेटी या कोई भी लेडी आपके घर में हो, कोई रिश्ता लेकर के आए और वो पूछे कि अगर कल को मुझे पता चला कि आपका किसी लड़के से नाजायज ताल्लुक था, रिलेशनशिप में थी, तो मैं आपको छोड़ने का अख्तियार रखता हूँ, क्या आप पसंद करेंगे? देखिए, शरीयत का जो हुक्म है वो सबके लिए है, किसी खास आदमी के लिए नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि आपके लिए ऐसा ऐसी शर्त रखना, ऐसी बात करना जायज है, इसका मतलब 100% मुसलमानों को इस बात की इजाजत है कि जो भी शादी करने जाए वो ये शर्त रख सकता है। आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि उस वक्त मुआशरे की हालत क्या होगी। तो असल ये है कि उसने जन है, हाँ आपको ये इख्तियार है, आप पहले सब कुछ पता करके जाएं। मतलब असल ये है कि दिमाग में किसी के सिलसिले में असल हुस्ने ज़न है। और ये जो आपकी बात है, आपका मसला है, ये मसला इस बात पर मबनी है कि असल ये है कि हर आदमी गुनहगार है जब तक वो उसकी दीनदारी ना साबित हो जाए। तो भाई, हर आदमी असलन पाक साफ है जब तक उसकी नापाकी ना साबित हो जाए।